दोस्तों किसी ने खूब कहा है कि जब घी सीधी उंगली से नहीं निकलती है तो उंगली को टेढ़ा करना पड़ता है। ये दुनिया बहुत बड़ी है और इस दुनिया में बहुत अलग अलग किस्म के लोग भी रहते हैं। ऐसे में कुछ अच्छे लोगों से भी आपकी मुलाकात होती होगी तो कुछ ऐसे भी होते होंगे जो कि आपको बर्बाद करने के लिए आते हैं। दोस्तों आज हम आपको दुनिया के कुछ सबसे बेहतरीन रिवेंजेस के बारे में बताएंगे। कुछ ऐसे हैं जिन्हें देखकर आपको हंसी आएगी तो कुछ ऐसे हैं जो आपका खून खौलाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का नया एपिसोड। लेकिन दोस्तों उससे पहले आपसे एक छोटे से रिक्वेस्ट कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट ये नए काम भी कर ही लीजिए। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ एक म्यूजिशियन की कहानी। किसी भी म्यूजिशियन के लिए उनका इंस्ट्रूमेंट बच्चे की तरह होता है। वो किसी भी हाल में अपने इंस्ट्रूमेंट के साथ कोई भी घटना होते हुए नहीं देख सकते। लेकिन दोस्तों यहाँ तो मामला ही अलग था। एक म्यूजिशियन प्लेन से एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर रहा था। लेकिन आपको तो पता ही होगा कि प्लेन में हैंडल कैसे करते हैं, आपके सामान को फेंक दिया जाता है कुछ भी यहाँ से वहां। अब बताइए अगर किसी म्यूजिशियन का गिटार उसके सामने कोई ऐसे फेंक रहा हो जैसे कि वो कोई क्रिकेट बॉल है तो उसके दिल पे क्या बीतेगी। दोस्तों अंत में उसका इकलौता गिटार टूट गया, बर्बाद हो गया। वो कंप्लेन करने गया लेकिन उस एयरलाइंस ने उसे दिलासे के अलावा कुछ नहीं दिया। म्यूजिशियन को वो बोलते रहे कि आप परेशान ना हो, हम आपके बदले में इसको पैसे देंगे। लेकिन अंत में उसको मिला कुछ भी नहीं। एक साल तक तारीख पे तारीख लेकिन पैसे नहीं आए। अंत में म्यूजिशियन के दिमाग में एक आइडिया आया इनको सबक सिखाने का। उसने इस एयरलाइंस को लेकर एक गाना बना दिया जिसमें उसने दिखाया कि कैसे उसकी आंखों के सामने उसके गिटार को तोड़ दिया गया और फिर लोग उन्हें पागल बनाते रहे। मैं आज पैसे दे दूंगा, कल दे दूंगा, ये बोलते रहे और पैसे मिले नहीं। वो कहते हैं ना कि अगर आप सच्चे हैं तो ईश्वर भी आपकी मदद करते हैं। वही हुआ दोस्तों। ये गाना इतना वायरल हुआ कि प्लेन कंपनी को काफी ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा। लोगों को पता चल गया कि ये कंपनी अच्छी नहीं है और दोस्तों उसके बाद तो कंपनी को अपनी इज्जत बचाने के लिए आनन फानन में पैसे देने पड़े। इसे कहते हैं कि जब घी सीधे उंगली से ना निकले तो उसे टेढ़ा करना पड़ता है। क्या आइडिया था बदला लेने का। दोस्तों एक बात आप सबको दिल से बताना चाहते हैं कि हमारी पूरी टीम आपके लिए दिन रात मेहनत करती है। इन वीडियोस को बनाने में काफी मेहनत लगती है, आपका प्यार मिले तो मजा ही आ जाता है। चलिए कोशिश करते हैं कि इस वीडियो पे 30,000 लाइक्स तो हो ही हो। अपनी तरफ से आप योगदान देना ना भूलें। दोस्तों दूसरी कहानी है अमेरिका के एक किसान की। यह बात तो आपको पता ही है कि एक किसान कितनी मेहनत करने के बाद जाकर खेत में फसल उगाता है। लेकिन उसके साथ कोई कर रहा था गंदा मजाक। जी हाँ, उसके खेत के सामने ही गाड़ी रोक कर कोई कूड़ा फेंक दिया करता था। किसान को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये कौन है, ये बंदा है कौन जो इसके खेत के सामने रोज कूड़ा फेंक के भाग जाता है। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि एक दिन क्या हुआ, किसान को कूड़े में एक लेटर मिले। जब उस किसान ने उस लेटर को पढ़ा तो उसे पता चल गया कि ये बंदा है कौन जो रोज इसके खेत में आकर कूड़ा फेंक के चला जाता है। किसान ने एक प्लान बनाया। दोस्तों जैसे ही अगले दिन फिर कोई आकर कूड़ा फेंक के चला गया, किसान ने एक बड़ी सी ट्रैक्टर मंगवाई, उसमें सारा हफ्ते भर का कूड़ा इकट्ठा किया और जो रोज कूड़ा किसान के खेत के सामने फेंकता था इसे उन्होंने उसके घर के बाहर डंप करवा दिया। दो दिनों तक ये चला और जैसे ही किसान ने उस बंदे के घर के आगे कूड़ा फेंका, उसी समय दोस्तों घर से बाहर निकलकर वो आदमी आया और किसान से उसने माफी मांगी। कहा कि गलती हो गई भाई, अब हम कभी भी आपके खेत में कूड़ा नहीं फेंकेंगे। दोस्तों बताइए क्या ये बदला लेने का सही तरीका था या नहीं। किसान ने दे दी कि नहीं जिंदगी भर की सी, क्या बात है। आप भी अपनी राय कॉमेंट के जरिए देते रहिए। दोस्तों तीसरी कहानी है स्पेन देश की। जी हाँ, यहाँ पर किसी कंप्यूटर इंजीनियर के घर पे किसी ने चोरी करते हुए उनका लैपटॉप गायब कर दिया। सोचिए कंप्यूटर इंजीनियर बहुत परेशान हो गए। लेकिन दोस्तों कंप्यूटर के मामले में वो बहुत ही तेज दिमाग के इंसान थे। उन्हें ये बात पता थी कि जो भी ये लेकर गया है वो ज्यादा दिनों तक बच नहीं पाएगा। जानते हैं क्यों? क्योंकि दोस्तों उस कंप्यूटर इंजीनियर ने कुछ ऐसा जुगाड़ कर रखा था अपने लैपटॉप में जिसकी मदद से चोरी के बाद भी वो डेटा हासिल कर सकते थे। चोर ने एक वीडियो बनाई, वो भी डांस करते हुए, और वीडियो इंजीनियर के हाथ लग गई। सोशल मीडिया पे उन्होंने ये वीडियो डाल दी और सबको ये बताया कि इसी इंसान ने मेरा लैपटॉप चुराया है। बस क्या होना था, उसके बाद चोर का वीडियो वायरल हो गया, वो अपनी शक्ल दिखाने लायक तक नहीं बचा। दोस्तों अंत में उसने लैपटॉप तो वापस कर ही दिया, साथ ही सॉरी बोलते हुए एक कार्ड भी बना कर दिया। लेकिन इंजीनियर भी गुस्से में था, उसने सब कुछ ले तो लिया लेकिन वीडियो सोशल मीडिया से नहीं हटाई। कैसी लगी आपको ये बदले की कहानी? वैसे आपको पता है कि मिथुन चक्रवर्ती जब अपनी पुरानी फिल्मों में बदला लिया करते थे तो इंटरवल के बाद ही लेते थे, उससे पहले गुंडों का राज हुआ करता था। दोस्तों अब जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ उसे देखने के बाद आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे। साथ ही दोस्तों आपको लगेगा कि ये कहानी तो हमारे देश में भी खूब होती है। हुआ ये कि एक मालिक ने फ्रांस के किसी शहर में घर लिया था जिसे उसने किराए पे चढ़ा दिया। जी हाँ, जैसे उन्होंने किराया लगाया उन्हें क्या पता था कि ये किराएदार नहीं बल्कि उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती है। हुआ ये दोस्तों कि एक तो रोज रोज उन्हें फोन आने लगे आस पड़ोस के लोगों से कि भाई किसे किराए पे घर दे दिया है, ये घर को कैसे रखता है, घर से बदबू आती है। जी हाँ, 14 महीनों तक किराएदार ने पैसे भी नहीं दिए, रोज आजकल करते हुए 14 महीने निकाल दिए।
और अंत में किराएदार घर छोड़ के चला भी गया बिना पैसे दिए, बिना साफ सफाई कराए। जब मकान मालिक घर के अंदर आते हैं तो देखते हैं कि भाई ये तो बहुत ही बेकार स्थिति में पड़ा हुआ है, सारा कचरा घर पे ही पड़ा हुआ था। मकान मालिक को गुस्सा आ गया, फटाफट किराएदार के नए घर। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। साथ ही दोस्तों अगर आपको इस वीडियो पे कोई राय देनी है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहता है। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए रोज ही इस तरह के वीडियोस बनाते रहते हैं। अपना ख्याल रखिएगा।